देख लो बीच में। ये आवाज किस चीज की आ रही है अपनी, किस चीज की आवाज है? बेटा सेकंड एंट्री में अपन लोग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस तो आएगा 2500 और फिर उसका 10% लेस करोगे 250 तो आएगा 2250। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन उसकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस पे होता है, ठीक है बेटे? नाउ कल जाते जाते मैंने आपको न्यूमेरस बेसिस की अकाउंटिंग समझाई थी। मैंने कहा था कि जब न्यूमेरस बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे आ जाओ, दिक्कत हो रही है? फटाफट जब न्यूमेरस बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड करने जाएंगे तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन है उसके नंबर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इन ट्रांजेक्शन्स को डायरेक्टली बुक्स में रिकॉर्ड करने की बजाय एक मेमोरेंडम बुक्स में रिकॉर्डिंग कर ले। मेमोरेंडम बेसिस पे कितनी बुक्स बनाई जा रही हैं? दो, पहली सेल और रिटर्न डे बुक, दूसरा सेल और रिटर्न लेजर। सेल और रिटर्न डे बुक में इनिशियली जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनकी रिकॉर्डिंग होगी और सेल और रिटर्न लेजर में जैसे लेजर अकाउंट नॉर्मल केस में बनते हैं वैसे ही लेजर अकाउंट बनेंगे। देखो मैंने कल आपको कॉपी में लिखवाया था, आप लोगों ने कहा था इंटरेस्ट भी लिया था, एंट्री क्यों होगी, क्या होगी, क्यों कैंसिलेशन की एंट्री पास हो रही, राइट? चलिए सबसे पहले देखिए सेल और रिटर्न डे बुक में मैंने पहली एंट्री क्या बताई है आपको, फॉर द गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। एंट्री देखिए क्या लिखी है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट, ये लिखा है ना। फिर देखो जब गुड्स रिटर्न हो गई तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। क्वेश्चन कल इस बात पे डिस्कशन हुआ था कि जब गुड्स अप्रूव होंगी तो आप लोगों ने फटाफट कहा था देन नो एंट्री विल बी पास्ड, जबकि क्या होगी अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपने सेल और रिटर्न में जो एंट्री पास कर रखी है वो किस बेसिस पे कर रखी है, मेमोरेंडम बेसिस पे। जैसे ही कस्टमर गुड्स की क्या दे देगा, एक्सेप्टेंस, तब उसे गुड्स वापस लेंगे या पैसे लेंगे? तो पैसे लेंगे तो आपको उसको ओरिजिनल बुक में क्या बनाना पड़ेगा, डेटर। तो आप एक ही आदमी को डेटर एक जगह बनाएंगे कि दो जगह बनाएंगे? आर यू श्योर? आपको एक जगह में से हटाना पड़ेगा बेटा, और कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओरिजिनल सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जहाँ पे पहले से रिकॉर्ड कर रखा है मेमोरेंडम वहां से हटाना पड़ जाएगा। तो जो रिटर्न की एंट्री है बेटा वही एंट्री किसकी हो जाएगी, गुड्स एक्सेप्टेंस वाले केस में हो जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, अंडरस्टूड? फिर देखो उसके नीचे अपन ने एक थ्योरी और लिखी है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन सेल और रिटर्न डे बुक अ सेल और रिटर्न लेजर इज प्रिपेयर। तो जब सेल और रिटर्न लेजर प्रिपेयर होती है ना तो वहां पर क्या होंगे बेटा, इंडिविजुअल तो कस्टमर्स की अकाउंटिंग होंगे और एक सेल और रिटर्न अकाउंट। जैसे अपन लोग उधार माल बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने ए को बेचा तो ए डेबिट टू सेल्स, मैंने बी को गुड सेल किया तो बी डेबिट टू सेल, सी को किया तो सी डेबिट टू सेल्स। अब मेरे इन एंट्रीज का लेजर में दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, इंडिविजुअल कस्टमर ए बी सी डी जितने रुपए का उन्हें मैंने गुड्स बेचा है वो उतने से डेबिट हो जाएंगे और जितने रुपए का मैंने कुल मिलाकर माल बेचा है वो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो सिमिलरली सेल और रिटर्न लेजर में भी इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट्स मेंटेन होंगे और एक अकाउंट किसका मेंटेन होगा, सेल और रिटर्न अकाउंट। कौन सा बोलिए, सेल और रिटर्न अकाउंट, अंडरस्टूड? देखो एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, गुड सोल्ड टू ए ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, एंट्री बोलिए मेमोरेंडम बुक में एंट्री क्या होगी, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट, ए रिटर्न द गुड्स, एंट्री बोलिए सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए। ओके बताइए ए के लेजर अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, जीरो, क्योंकि आपने पहले ए अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न किया फिर आपने सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए कर दिया, अंडरस्टूड ना? ए के बैलेंस का वैल्यू कितना बचा है, जीरो। बताइए सेल और रिटर्न अकाउंट का बैलेंस कितना था, जीरो। मतलब जो इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट का टोटल होगा वही सेल और रिटर्न अकाउंट का टोटल होगा। अभी डेटर में बैलेंस कितना है, जीरो, तो सेल और रिटर्न में बैलेंस भी क्या होगा, क्यों?
क्योंकि वो सेल और रिटर्न रहा ही नहीं, क्योंकि उसने द गुड्स क्या कर लिया, रिटर्न कर दिया। दूसरी एंट्री, गुड सोल्ड टू बी ऑन अप्रूवल बेसिस 15,000 न्यूमरस बेसिस पे, एंट्री बोलिए। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट, वैल्यू बोलिए 15,000। ओके, गुड्स एक्सेप्टेड बाय बी फॉर रुपी 10,000 एंड गुड्स रिटर्न बाय बी 5,000, एंट्री बोलिए। सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट 5,000 टू बी अकाउंट 15,000 हो गया। चलिए बी के अकाउंट का बैलेंस बोलिए 0, सेल और रिटर्न अकाउंट का बैलेंस बोलिए। अंडरस्टूड ना। नाउ थर्ड केस, गुड सोल्ड टू सी ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस 20,000, स्पीक द एंट्री। सी अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट, रुपीज कितना बेटा 20,000। मैंने ए को बेचा था, ए ने रिटर्न कर दिया था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। मैंने बी को बेचा था, 10,000 एक्सेप्ट किया था, 5,000 रिटर्न कर दिया था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। जब मैंने कहा कि मैंने सी को 20,000 रुपये का माल बेचा है, तो आपने एंट्री बोली सी अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न। अब मैं आपसे कोई एंट्री नहीं पूछ रहा, बताइए क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि ना ही अभी तक सी ने गुड्स रिटर्न किया है और ना ही उस गुड्स को रिटर्न करने का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर नहीं हुआ है। यानी गुड्स चाहे तो गुड्स अभी भी एक्सेप्ट कर सकता है या चाहे वो रिटर्न कर सकता है। यानी मेरी बुक्स में अभी एक ही एंट्री हो चुकी है, क्या? सी अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न। पहले बोलो बात समझ में आ रही है? नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। मैंने 15,000 रुपये का माल बेचा है, 20,000 का, बताइए सी के लेजर अकाउंट का बैलेंस कितना है, सेल और रिटर्न अकाउंट का बैलेंस कितना है? कहना ही से जितना इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट का टोटल होगा उतना ही सेल और रिटर्न अकाउंट का टोटल होगा कि नहीं होगा। यानी वही वाली बात हुई कि मैंने ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को जितना भी माल बेचा होगा उन सबका टोटल लगा लो, और जितना सेल्स अकाउंट मैंने क्रिएट किया होगा उसका टोटल लगा लो, दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? लेट अस सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। पास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन दो बार आया हुआ है, एक बार तो एज इट इज आया था, एक बार नाम चेंज हो गया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, अ फर्म सेंड्स गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन अ मंथ। ड्यूरिंग मे 2020 द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट, डेट 2nd, 8th, 12th, 18th, 20th or 27th, कस्टमर पी बी क्यू डी ई आर, वैल्यू 15,000, 20,000, 28,000, 3,000, 1,000 और 26,000 विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ वन मंथ। पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स। पी और क्यू ने कहा भाई हमारे को गुड्स पसंद नहीं आए, तो उन्होंने गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। B, D और E signified that they have accepted the goods. B, D और E ने कहा हमें गुड्स पसंद आ गए। बेटा पार्टी कितनी है कुल मिलाकर? 6। कितनी पार्टी ने हमारे को कन्फर्मेशन दे दी? 5। कितनी पार्टी ने नहीं दिया? 1 में। कौन सी पार्टी है वो? R। क्योंकि P और Q रिटर्न द गुड्स, B, D और E एक्सेप्टेड द गुड्स, कौन सी पार्टी है जिसने ना हाँ बोला ना ना बोला? R। ओके, कैन आई से जब मैं सेल और रिटर्न अकाउंट बनाऊंगा तो सेल और रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो 26,000 रुपए ही होगा कि नहीं होगा? सही बोल रहा हूँ ना? क्यों? क्योंकि दोबारा पूछो क्वेश्चन। जब मैं सेल और रिटर्न अकाउंट बनाऊंगा तो सेल और रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा वो बिना देखे ही बोल देता हूँ, 26,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्यों? क्योंकि आर की एंट्री आर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न ही हुई होगी ना, इसकी एंट्री ना तो एक्सेप्ट पे रिवर्स हुई होगी और ना ही रिटर्न पे एक्सेप्ट हुई होगी। अंडरस्टूड बेटे? आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म सेल और रिटर्न अकाउंट, दूसरा कस्टमर पी अकाउंट फॉर द सेल और रिटर्न। मतलब इन्होंने दो चीजें मांगी हैं, एक तो ये बताइए कि सेल और रिटर्न अकाउंट में क्या आएगा, और एक इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट मांग लिया, किसका? पी का। मजा तो कब आता जब पी के साथ साथ ये किसका भी अकाउंट मांगते हैं, आर का। करें हम लोग शुरू? लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1,
इन द बुक्स ऑफ फॉर्म. अच्छा ये इन द बुक्स ऑफ फॉर्म ये कौन सी बुक्स हैं, ओरिजिनल या मेमोरेंडम? तो फिर लिख दें इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, ब्रैकेट में लिख दें मेमोरेंडम. इन द बुक्स ऑफ फॉर्म ब्रैकेट में लिखेंगे मेमोरेंडम. चलें बेटा आगे. कौन सा अकाउंट मांगा इन्होंने, सेल और रिटर्न अकाउंट. अच्छा बेटा सेल और रिटर्न अकाउंट है तो एक लेजर अकाउंट ही ना, और लेजर अकाउंट किससे बनते हैं, जो आपने जर्नल एंट्री पास की बेटा उससे ही बनते हैं. विल यू प्लीज पिक द एंट्री, टी बी क्यू डी ई आर को डेबिट कर दें और सेल और रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दें बेटा. लिखिए टी बी क्यू डी ई आर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न, लिख दें बाय सनरीज. बेटा सनरीज शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनका वैल्यू वन टाइम पुट कर देते हैं. ठीक है, अब बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे कि जो सनरीज में वैल्यू हम लिख रहे हैं वो किन किन लोगों को दिए हुए माल की टोटल है. पी बी क्यू डी ई और आर, बोलिए पी क्या आगे वैल्यू बोलिए. 15,000, बी 20,000, 28,000, 3,000 और आर का 26,000. अंडरस्टूड बेटा, इसका टोटल लगेगा 15 + 20 + 28 + 3 + 1 + 20 = 93,000. ओके बेटा, किन दो पर्सन ने गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो इनके रिवर्सल की एंट्री पास कर दें. एंट्री बोलो सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पी एंड टू क्यू, तो डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज. और ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिया. पी ने कितना बेटा और क्यू ने 28,000, टोटल बोलिए 43,000. ओके, अच्छा किन्होंने अपने को एक्सेप्टेंस दे दी, तो इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया तो मैं इन्हें अभी भी अपना डेटर मेमोरेंडम बुक में बना के चलूं या ओरिजिनल बुक में ले जाऊं? केवल ओरिजिनल बुक में ले जाऊं या यहां से हटाऊं भी? तो मेरा टॉपिक है वो यही तो वाला है ना, तो यहां से हटाना पड़ेगा. तो पहले मैंने डेटर बना रखा था, अब मैं उसे कैंसिल कर दूंगा. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे या फिर डैश करके सेल्स. बी कितना बेटा, 20,000. डी और ई, इज इट 24,000. अब आप देखिए क्रेडिट साइड के 93,000 के टोटल में से अब डेबिट साइड के 43 और 24,000 लेस कर दो. वो तो बेटा अपन लोगों ने वर्बली क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही समझ लिया था कि इस लेजर अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना जिस पार्टी ने ना हाँ बोला बेटे ना ही ना बोला. क्या समझ में आ गया आपको? ओके, पास एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स का है. हाँ सेम क्वेश्चन, एक बार तो एज इट इज क्वेश्चन है पी बी क्यू डी आर, एक बार में वैल्यूज नाम चेंज थे, वैल्यू शायद सेम थी. अब दूसरा अकाउंट कौन सा माना है इन्होंने? अच्छा इधर देखिए पी को हमने जब गुड्स सेंड किया था तो पी अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न किया था. पी ने गुड्स रिटर्न कर दिया, एंट्री क्या की थी, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पी. क्या पी के अकाउंट का कोई बैलेंस बचेगा? बनाइए पीज अकाउंट. वापस से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये पी का अकाउंट ओरिजिनल लेजर में बन रहा है या मेमोरेंडम लेजर में? पीज अकाउंट, और एक लेजर अकाउंट है, और लेजर किससे बनता है? जर्नल से.
पी को जब आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड सेंड किया तो एंट्री क्या हुई थी? पी अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न। कितने का गुड्स दिया था? और जैसे ही पी ने गुड्स रिटर्न कर दिया था तो हमने इसके कैंसिलेशन की एंट्री बाय सेल और रिटर्न अकाउंट 15,000 हो गया था बेटा। आ गई आपको बात समझ? अगर बाय चांस से क्वेश्चन में आपको क्या पूछ ले था आर, तो ये अपने सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है बेटा, ये अपन ऐसे ही बना के देख रहे हैं। अगर किसका अकाउंट मांगा गया आपको था आर का, आर के डेबिट साइड में आप पहले क्या लिखते? सेल और रिटर्न। कितना लिखते? आर ने रिटर्न नहीं किया, क्या रिटर्न की एंट्री होगी? आर ने एक्सेप्ट नहीं किया, कैंसिलेशन एंट्री होगी। तो जब आपने माल आर को माल दिया था खाली वही एंट्री की है, ना रिटर्न में कोई कैंसिल एंट्री हुई, ना गुड्स एक्सेप्ट करने पे कैंसिलेशन की एंट्री हुई। तो आपका मेमोरेंडम लेजर में इसके अकाउंट का बैलेंस 26,000 रह जाएगा क्या? और क्या इसका नेचर और कैरेक्टर सेल और रिटर्न वाला ही है? ये देखिए इसका बैलेंस और इसका बैलेंस दोनों ही मैच हो जाएगा मुझे। चलो दिस वॉज अवर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। एक 10 मिनट का रिविजन दे रहा हूँ इसको नोट, ये नोट करना है नहीं करना है आप देख लें, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। एक क्विकली रिवाइज कर रहे हैं हम लोग जो भी टॉपिक अपन ने पढ़ा, आप लोग भी जरा मेमोरेंडम ओरिजिनल बुक में, अभ्युदय तेरी चौंच जो है वो ऑफलाइन जाके ऑनलाइन जाके खुलती है नालायक। चल सुन, कल भी मैंने बताया तेरे को मेमोरेंडम का मतलब होता है लाइक रफ, अपन ने किस किस को क्या क्या भेजा। ओरिजिनल का मतलब होता है जिनसे वास्तव में अपने को क्या करना है, गुड्स के बदले पैसा लेना है या फिर किसी को पैसा देना है। मेमोरेंडम जो होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। मतलब जब आप अपने डेटर्स जिनसे आपको एक्चुअल में पैसा लेना है तो आप ओरिजिनल बुक देखेंगे ना कि मेमोरेंडम बुक। ठीक है अभ्युदय? लेट अस रिवाइज दिस चैप्टर। ओके, ये चैप्टर किस बेसिस के ऊपर है? सेलिंग द गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। What is the meaning of selling the goods on approval or return basis? Sir, it is an process in which goods are delivered to the customer with the option that to return the goods or retain the goods within the specified period. बात समझ आ गई? इस particular system के दो basic feature होते हैं कि जब goods transfer की जा रही है तो केवल goods का physical possession transfer होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। बात समझ में आ गई? दो हो गया, ओनली फिजिकल पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, नंबर सेकंड नॉट द ओनरशिप इज ट्रांसफर। तो सर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अगर तीन बातों में से कोई एक बात भी फुलफिल हो जाएगी तो गुड्स की फिजिकल पोजेशन के साथ साथ गुड्स की ओनरशिप भी सेलर टू बायर ट्रांसफर मान ली जाएगी। पहली कंडीशन क्या थी? व्हेन द कस्टमर सिग्निफाई हिज अप्रूवल, कस्टमर खुद कह दे जी मेरे को गुड्स पसंद आ गए। अंडरस्टूड बेटा? नंबर सेकंड, कस्टमर गुड्स ना तो रिजेक्ट कर रहा है ना ही हमें रिटर्न कर रहा है, और एक्सपायरेशन ऑफ टाइम हो जाने के बावजूद भी गुड्स को अपने पास ही रख रहा है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा? कि भाई तुमको टाइम दिया था, आइदर यू शुड हैव रिटर्न द गुड्स, और तुम्हें क्या कर लेना चाहिए था? एक्सेप्ट। ना तुमने हाँ बोला ना ही तुमने ना बोला, हम सेलर के फेवर में डिसीजन सुनाएंगे, अब तुम्हें इसके बदले पैसा ही देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? और तीसरा, व्हेन द बायर डज सम एक्ट दैट शोज ही हैज अडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन, मैंने सिंपल सी लाइन लिखवाई है, व्हेन द बायर डज सम एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। वो मैंने एग्जांपल दिया था हैप्पी बर्थडे टू यू वाला, कुछ मैंने इनको पेन दिया, इन्होंने इनको गिफ्ट दे दिया, तो इन्होंने ये पेन कैसे क्या सोच के दिया कि गुड्स या तो ये मुझे पैसे देंगे या फिर ये पेन मुझे वापस करेंगे? क्या ये मुझे कह सकती हैं कि सर ये पेन तो मैंने आपको, तो भी एग्जांपल मैंने आप में से किसी को दिया था, कुछ गर्ल
अच्छा ओके। तो मैं हुआ क्या यहाँ पे कि मैं इनसे या तो क्या लूंगा गुड्स लूंगा या फिर इनसे क्या लूंगा पैसे लूंगा। अंडरस्टूड ना बेटा। इस चैप्टर की अकाउंटिंग किस बात पे बेस्ड है? तीन बात पे। जब बिजनेस में आप इस तरह के ट्रांजेक्शंस बहुत कैजुअल बेसिस पे करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल? जब बहुत कम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आप इस तरह के करते हैं। फ्रीक्वेंट मतलब कंपेरेटिवली आपका बिजनेस इस तरह का भी कामकाज नकद और उधार के साथ साथ करता रहता है। न्यूमेरस आपका बिजनेस का मॉडल ही कुछ ऐसा है कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो होलसेलर आपसे पैसा देकर नहीं खरीदता। वो कहेगा पहले आप मुझे गुड्स दीजिए, मैं फर्दर किसको सप्लाई करूंगा? रिटेलर को। अगर रिटेलर उन गुड्स को बेच पाएगा तो वो मुझे एक्सेप्टेंस देगा, वो मुझे एक्सेप्टेंस देगा तो मैं आपको एक्सेप्टेंस दूंगा। यानी मैन्युफैक्चरर के लिए इस तरह की एक्टिविटी ही उसके बिजनेस का पार्ट बनेगी। बेटा कैजुअल बेसिस में क्या हम लोग जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत फ्यू होते हैं क्या हम लोग सेपरेट बुक्स मेंटेन करेंगे? नो सर। क्या मान के करेंगे? उसे एक्चुअल सेल्स मानकर ओरिजिनल बुक्स का पार्ट मान लेंगे। चलिए एंट्री बोलिएगा। व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो कैजुअल बेसिस में ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कस्टमर ने एक्सेप्टेंस दे दिया एट द सेम प्राइस, क्या कोई एंट्री पास होगी? अगर हायर प्राइस पे दिया तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 500 पे भेजा था, अप्रूवल 600 पे हो रही है तो एंट्री कितने से होगी? 100 से। और अगर लेसर वैल्यू पे हो रही है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। 50 रुपये कम पे हो रही है तो 50 रुपये आ जाएगा बेटा। एग्रीड ना? अगर कस्टमर गुड्स क्या कर देता है? रिटर्न, तो फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। ये तो बहुत आसान है बेटा। ये टॉपिक बेसिकली क्यों बना? कि आपने गुड्स किसको डिलीवर कर रखी है? कस्टमर को। और फाइनल अकाउंट्स बनाने की डेट पहुंच चुकी है और अभी भी कस्टमर हाँ या ना बोलने का जो टाइम पीरियड है वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। तो जब हम 31 मार्च के दिन अकाउंटिंग करेंगे तो उससे पहले तो अपन ने क्या कर दिया है? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को बेचने की एंट्री ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स कर दी होगी। 31 मार्च को कस्टमर हाँ बोले, क्लियर कर दे, आई विल पास नो एंट्री। कस्टमर रिटर्न कर दे, आई विल पास द एंट्री फॉर रिटर्न। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कब होगा? कस्टमर कहता है 5 दिन बाद में बताऊंगा, अभी टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है। तो मैं कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करूंगा और ये मान लूंगा कि वो गुड्स कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जिस प्राइस पर मैंने सेल्स की एंट्री पास की थी ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, बेटा मैं उसी प्राइस पे रिवर्सल की एंट्री पास करके कहानी खत्म कर दूंगा उसकी। अच्छा एक बात बताइए, ऑन 31 मार्च जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे पास दो तरह का स्टॉक होगा। एक स्टॉक जो मेरा है और मेरे पोजेशन में, यानी फिजिकल। लेकिन जो स्टॉक मेरे पास पड़ा है क्या खाली वही मेरा है क्या? कुछ गुड्स है मेरी लेकिन पड़ी किसके पास है? कंसाइनमेंट भी पढ़ाया था आपको मैंने, गुड्स कंसाइनर की है लेकिन पड़ी किसके पास है? तो अपन लोग दो एंट्री पास करेंगे, एक तो कैंसिलेशन ऑफ सेल्स जो कौन सी प्राइस पे होगी? सेलिंग प्राइस पे, जिस प्राइस पे अपन ने रिकॉर्ड किया था। और दूसरी एंट्री होगी पूरा बोलेंगे, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री होती है कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस भी गिवन हो या नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी गिवन हो तो विच एवर इज लेस। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, फ्रीक्वेंट बेसिस में एक सेल और रिटर्न डे बुक बनती है जिसमें मेन कितने कॉलम होते हैं? 4। पहला सेल और रिटर्न यानी गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, दूसरा सोल्ड यानी गुड्स अप्रूव, तीसरा रिटर्न और फिर फोर्थ बैलेंस। ओके, फॉर्मेट आपको ध्यान है बेटा। नेम ऑफ पार्टी बताया था आपको मैंने, 4 कॉलम बताए थे। किस दिन को माल डिस्पैच किया उस दिन को अमाउंट, किस दिन को कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन का अमाउंट, जिस दिन कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया उस दिन का अमाउंट, और आखिरी में क्या आ जाएगा? बैलेंस। और सेल और रिटर्न डे बुक बनाकर अपने को गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर भी बनाना पड़ता है जिसमें गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट या सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनता है। अंडरस्टूड? जितना भी माल दिया था उसका टोटल लगाकर क्रेडिट में डालेंगे और जितना गुड्स एक्सेप्ट हो जाएगा या जितना गुड्स रिटर्न हो जाएगा वो उसके डेबिट में डाल देंगे। तो वापस से सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट का बैलेंस भी उतना ही बचेगा जितना कस्टमर के पास नाइदर एक्सेप्टेड है और नॉर रिटर्न है। अंडरस्टूड बने? अभी अभी अपन लोगों ने क्या सीखा? न्यूमेरस बेसिस। न्यूमेरस बेसिस में भी क्या होता है? सेल और रिटर्न डे बुक और एक सेल और रिटर्न लेजर। बात समझ में आ गई? चल कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर?
आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट चैप्टर जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपने क्लास 11th में आखिरी के दिनों में पढ़ा था, फाइनल अकाउंट्स। याद आया कुछ? तो पहले पहले बताओ, ये चैप्टर पढ़ा हुआ है क्या तुम्हारा? पढ़ा हुआ है या पढ़ा हुआ है?